नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो भूषण चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गुरु राहु चांडाल योग की, जो 22 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये रहने वाला है 30 अक्टूबर 2023 तक। लगभग 6 महीने का पीरियड है और यहाँ पे ये होने वाला है कि ये योग क्यों बन रहा है। तो मेष राशि में ये योग बन रहा है और उसमें ये हुआ है कि राहु पहले से मेष में थे और गुरु मीन से ट्रांजिट करके मेष में आए, और गुरु और राहु का कंजंक्शन, इसे कहते हैं गुरु राहु चांडाल दोष या चांडाल योग। अभी तक हम बात कर चुके हैं धनु लग्न या राशि की, और अब हम बात करने वाले हैं मकर लग्न या राशि। आपकी राशि क्या है, लग्न क्या है, ये अगर आपको पता नहीं तो मेरा वीडियो देखिए, कुंडली कैसे देखे। साथ ही साथ आप थोड़ा क्लैरिटी रखिए कि आपकी कुंडली क्या है, कौन से ग्रह कहाँ पे है, कौन किस हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, तो आप इस वीडियोस को अच्छी तरह से रिलेट कर पाओगे। तो ये जो योग हो रहा है मकर लग्न या राशि के लिए हो रहा है फोर्थ हाउस में, चतुर्थ भाव, चौथा भाव। तो फोर्थ हाउस है, वहाँ पे मेष लग्न, मेष राशि है, वो मेष राशि यानी उसका स्वामी मंगल है। अभी चतुर्थ भाव से हम देखते हैं सुख भाव, ये सुख का भाव है, भूमि का है, माता का है, वाहन का है। अब सबसे पहले तो आपको आपका घर शिफ्टिंग, घर चेंज नहीं करना है, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसी में आपको रहना है। कोई भी हालत में आप नया प्रॉपर्टी खरीदने का सोचना नहीं है, नया व्हीकल खरीदने का सोचना नहीं है, प्लस आपका खुद का जो घर है किसी और का घर में या नई प्रॉपर्टी अभी आप इन्वेस्ट नहीं करना है। आप भले अभी प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं और उसका डिसीजन, उसका डील जो है वो 30 अक्टूबर के बाद फाइनल कीजिए। अभी ये पॉसिबल हो सकता है कि आपको जो नई वस्तु मिले वो अच्छी ना हो, वो आपके लिए सुटेबल ना हो, क्योंकि ये गुरु राहु चांडाल योग के इफेक्ट है। तो अभी आप जिस घर में रह रहे हैं उसी में आप रहिए, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे ये होगा कि ये माता का भी स्थान है, तो आपको आपकी माता के लिए कुछ करने की इच्छा होगी। बहुत सारे मकर लग्न राशि वाले इस टाइमिंग में अपने माता से मिलेंगे। किसी की मदर विदेश में है तो कोई भी रीज़न से उनकी मुलाकात हो सकती है, या दोनों को भी मिलने की एक आस पैदा होगी इस टाइमिंग में। और कोई भी रीज़न से, मतलब ये हो सकता है कि उनका मिलाप हो। इसके साथ ही साथ माता की हेल्थ का भी आपको केयर करना है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सडनली एखादी बीमारी, छोटी मोटी बीमारी उजागर होके सामने आ सकती है। देखिए ये योग का इफेक्ट है, बीमारी पहले से रहती है, हमें पता नहीं रहता, बट एक चीज़ एक जब पिक पे जाती है तब हमें उसके इफेक्ट दिखना चालू होता है, और ये वो पीरियड रहता है कि हमें उसमें प्रॉपर डायग्नोस होता है, हमें अच्छे डॉक्टर्स मिलते हैं और उसका क्योर मिलता है, ताकि वो फ्यूचर के लिए हमारे अच्छा रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको व्हीकल्स में नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लैंड में नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपकी है उसी प्रॉपर्टी को आपको चलाना है। ये हो सकता है कि आपकी सुखों में कमी आए। अब सुख अलग अलग तरीके के रहते हैं, किसी को घर का सुख है, किसी को वाहन का सुख है, किसी को परिवार का सुख है, किसी को फ्रेंड्स में, फैमिली मेंबर्स में, तो लोगों की सुख की व्याख्या अलग अलग हो सकती है। आपको कोई, जैसे मैं पहले भी बताया था, गुरु राहु चांडाल योग का सबसे बड़ा इफेक्ट ये रहता है कि एक एहसास होता है कि मेरे पास सब कुछ है बट कुछ तो कमी है, और वो कमी क्या है वो हमें पता नहीं चलती है। तो जैसे ये योग खत्म हो जाएगा देन चीज़ें अगेन रूटीन पे आएगी, बट इस टाइमिंग में आपको ये एहसास होगा कि आप कुछ, एक एहसास होगा आपको कि मेरे पास कुछ तो कमी है, और वो क्या है वो आप जज नहीं कर पाओगे। और वैसे भी ये इफेक्ट आपके लिए सुख भाव में हो रहा है, तो आपको सुख की कमी का एहसास होगा। अब यहाँ से हम बात करते हैं इनकी दृष्टियों की, तो एक दृष्टि हो रही अष्टम भाव पे। यहाँ पे अष्टम भाव से हम देखते हैं ऑकल्ट साइंस, गुड विद्याएं, गुड धन,
गुप्त धन, गुप्त विद्याएं और आयु, तो आपको कोई पैतृक संपत्ति अगर आप एक्सपेक्ट करते होंगे इस टाइमिंग में, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, वो इस टाइमिंग में आपको नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो आपने जितना एक्सपेक्ट किया है उससे काफ़ी कम मिलेगी। आप गुड़ विद्याएं हैं, मंत्र तंत्र में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे। इसका रीज़न ये है कि एक जगह जो आपको सुख में कमी लग रही है, उस डर से या उस भावना से आप भगवान से जुड़ोगे, भगवान की शरण में जाओगे। ये अच्छा है, जब भी इंसान अध्यात्म से जुड़ा जाता है तो वो अच्छी चीज़ें होती है, वहाँ पे आपको मन की शांति का एहसास भी होगा, बट एक सीमा में उसे रखिए। बहुत ज़्यादा मंत्र तंत्र कर्मकांड में बहुत ज़्यादा मत घुसिए, तो भगवान की शरण में रहिए। खास करके ये गुरु राहु चांडाल योग के इफेक्ट है, इसमें आपको महादेव की आप उपासना कीजिए, महादेव की पूजा कीजिए, उनसे रिलेटेड मंत्र तंत्र जाप कीजिए, वो आपको इस टाइमिंग में मेडिटेशन प्राणायाम कीजिए, वो आपको शांति देंगे, शांति का एक अनुभूति यहाँ से ही आपको मिलेगा। फिर एक दृष्टि है कर्मस्थान पे, जहाँ पे जो 7 नंबर लिखा हुआ है और वो है शुक्र का घर। शुक्र अगर कुंडली में अच्छा नहीं होगा तो आपके कर्मस्थान पे आपकी अथॉरिटी में कमी आ सकती है, कोई डिमोशन हो सकता है, या डिमोशन नहीं भी हो तो आपको जो रुतबा दिया हुआ है वो पावर, वो अथॉरिटी आपसे निकाली जा सकती है। शुक्र की कंडीशन अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे केतु भी बैठा हुआ है, केतु इल्यूजन क्रिएट करता है, उस इल्यूजन की वजह से आप कर्मस्थान पे कोई गलत डिसीजन ना ले ले। आपको अभी आपकी नौकरी को बचा के चलना है, नौकरी जो भी है आपका जॉब को आपको छोड़ना नहीं है। कोई केतु के इल्यूजन में आके कुछ यहाँ ऐसा होगा वहाँ वैसा होगा, ये आपको भ्रमित अवस्था में आप कुछ गलत डिसीजन ना ले, आपको आपकी जॉब को संभल के चलना है। करियर में आप अगर शुक्र की कंडीशन अच्छी है तो फिर आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप ये हो सकता है इस टाइमिंग में कि आप कोई नए क्षेत्र में आपका भाग्य आजमाने की कोशिश कर सकते हैं, बट मेरी सलाह है कि आप 30 अक्टूबर तक ये सब चीज़ें कुछ मत कीजिए, तो ये आपका भाग्य है, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, बट ये मेरी सलाह है कि आप उससे अवॉइड कीजिए। अब आपका विदेश के स्थान पे भी ये गुरु और राहु की दृष्टि है, विदेश के लिए आपके लिए योग बन रहे हैं, बट राहु क्या करेगा कि एक भ्रमित अवस्था में रखेगा, और गुरु राहु चंडाल योग से आपको विदेश जाना उतना आसान नहीं होगा, वो हर्डल्स के साथ होगा। हर्डल दिक्कतें अलग अलग तरीके की हो सकती है, शायद आपने विदेश में जाके जो सोचा था कि मेरी अर्निंग ऐसी रहेगी, मेरा बिजनेस ऐसा रहेगा, मेरा रूटीन ऐसा रहेगा, वो शायद वैसा नहीं रहेगा। आपने जो क्योंकि राहु आपको भ्रमित अवस्था में रखेगा, आप सोच के कुछ जाओगे वहाँ पे अलग कुछ मिलेगा। सडनली ये हो सकता है कि आपका टिकट हुआ, सब कुछ हुआ, बट डॉक्यूमेंटेशन की क्लैरिटी की वजह से आपका जाना कैंसिल हो गया। तो अगर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप पोस्टपोन कीजिए 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल के बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा सभी प्लैनेटरी पोजीशन, वहाँ से राहु हट जाएंगे, गुरु महाराज अकेले रहेंगे, गुरु की जब 12th हाउस पे दृष्टि रहेगी तो वो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि 12th हाउस का मालिक भी गुरु है और वो ही चांडाल योग में फंसा है। तो आप विदेश से रिलेटेड चीज़ों को अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो उसको देखिए। तो मकर लग्न या राशि के लिए बाकी सब कुछ ठीक है, बस आपको आपकी प्रॉपर्टी को बचा के चलना है। प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पे बेचोगे तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी आपको बाद में सोने के भाव, मतलब सोना रहेगी 30 अक्टूबर के बाद, तो आप प्रॉपर्टी को कोई भी हालत में मत बेचिए, उसे अपने साथ लेके चलिए, और बाकी सब चीज़ें ठीक है। तो आज के लिए मकर लग्न और राशि के लिए इतना ही, बाकी हम आगे देखते हैं। धन्यवाद।